और इस बीच एक और बड़ी खबर, दलित शराब घोटाले में ईडी कर रही छापेमारी। तो लखनऊ गुरुग्राम समेत 30 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। तो शराब घोटाले के मामले में लगातार ये छापेमारी जारी। इससे पहले सीबीआई की तरफ से शिकंजा कसने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में कुछ सामने नहीं आया और अब ईडी की तरफ से छापेमारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी को अंजाम दे रही है और मनीष सिसोदिया के करीबियों पर शिकंजा कसने की कवायद। तो वह इस कार्रवाई को लेकर ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया का बयान। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीबीआई के बाद ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने ईडी की कार्रवाई पर यह बड़ा बयान दिया है, शिक्षा के माहौल को रोकने की कोशिश। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीबीआई ईडी से हमें नहीं रोक पाएंगे। तो मनीष सिसोदिया ने यह बयान देते हुए कहा है कि हमें नहीं रोका जा सकता है। सीबीआई जिस तरह से खाली हाथ रही, उसी तरीके से ईडी भी खाली हाथ रहे। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ